देश की कोई भी रसोई हो, सब्जी के राजा आलू के बिना अधूरी मानी जाती है। और हम इस समय आगरा के खंदौली क्षेत्र में खड़े हैं और आगरा खंदौली क्षेत्र आलू प्रधान क्षेत्र है। खंदौली का क्षेत्र देश भर में जाना जाता है, पहचाना जाता है और बड़ी डिमांड रहती है। और हम खेत में खड़े हैं, आलू का खेत है और ये आप देख रहे हैं आलू की खुदाई चल रही है। आलू की जो फसल है जिसे किसान ने अपने खून पसीने से सींचा है, उसे निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर आलू की खुदाई कर रहा है। और हमारे साथ यहाँ खेत में आलू किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आलू की पैदावार इस बार कैसी हुई है। आलू का जो फसल है, जो आपने सींची है, बुवाई की थी, आज खुदाई आप कर रहे हैं, आलू निकल के आ रहा है, पैदावार की बात करें तो कैसी पैदावार हो रही है? देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में पैदावार कम हुई है। हमारे यहाँ एक बीघा का जो बोलिया जाता है कंपैरिजन, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 10 से 15 पैकेट का लॉस हुआ है किसान को, तो इतना ही लॉस हुआ है अभी। तो अगर बात करें इसकी वजह क्या है, आलू पैदावार कम क्यों हुई है? वजह का रीज़न यही है कि मौसम की थोड़ी मार रही है किसान के लिए, करीबन एक महीने धूप नहीं निकली है जिससे आलू में फुलाव नहीं हो पाया उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए था। तो रीज़न यही है कि आज मौसम की मार सहता है, किसान शुरू से सहता है तो अब भी सह रहा है। अगर बात करें आलू किसान के तौर पर आपसे बात करें तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो आलू को MSP में शामिल किए करे, जिससे किसानों को आलू के टाइम पर जो बीज बोता है उसी में पता चले भविष्य का रेट क्या है, तो उस हिसाब से उसकी लागत भी कैलकुलेट करके वो उस हिसाब से मुनाफा पा सकता है। काश्तकार, जो बड़े बड़े काश्तकार होते हैं किसान, वो तो बड़े काश्तकार तो रेट ले लेते हैं, लेकिन जो छोटे काश्तकार हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका वो रेट नहीं मिल पाता, उनकी जो लागत लगाते हैं उतना वो प्रॉफिट भी नहीं ले पाते जो आलू की उपज होती है पैदावार। जैसे अभी आप कह रहे थे कि राशन में जो राशन दिया जाता है उसमें आलू को शामिल किया जाए, क्या किस तरह की मांग है ये? ये तो देखिए, ये तो एक पॉइंट है नोट करने लायक सरकार से हमारा, कि जो राशन दिया जाता है किसानों को गांव-गांव में, जो हर फैमिली में दिया जाता है, उसमें भी अगर आलू को शामिल कर लिया जाएगा तो कहते हैं ना, हर घर तक आलू पहुंचेगा और उससे हर भारत के हर कोने तक पहुंचेगा, जिससे कि आलू की खपत बढ़ेगी और हमारा भी, मतलब हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हैं, उनका भी थोड़ा फ़ायदा होगा। यानी आपकी मांग है कि आलू को सरकारी राशन में शामिल किया जाए जिससे बाहर तक भेजा जा सके, देश के कोने कोने में आलू पहुंच सके। आपसे जानते हैं कि आलू की पैदावार जो कम अब बताया जा रहा है, आलू की पैदावार कम हुई है, उसकी वजह क्या है? सर, वजह तो यही है कि मौसम इस बार धूप नहीं निकली है और इसी वजह से आलू नहीं फूल पाया है। इस वजह से जो है कि एवरेज कम ही आ रहा है आलू का, 30-35 कट्टे बीघे का आ रहा है और पिछली साल में निकला था 55-60 का ऐसे निकला था, अभी आधा आधा हो गया इस साल। तो अगर बात करें लागत की तो किसान की कितनी लागत है और वो निकल के आ रही है? सर, लागत अभी इस साल तो अभी फ़िलहाल रेट ठीक है अभी फ़िलहाल में तो, और जो एवरेज निकला है उस हिसाब से तो लागत ही लागत निकल पा रही है, मुनाफा कुछ नहीं मिल रहा है आलू में। केवल किसान की लागत ही किसान तक पहुंच पा रही है, आलू की पैदावार है। और किसानों से जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, आलू की पैदावार कम होने की वजह क्या मानते हैं? होने की तो मतलब ये सो ठंड फंड पड़ी है, एक सवा महीना हो गया, परते परते घाम निकली नहीं है, आलू फूला नहीं है, आलू छोटा निकल ले आया, तो 30-35 का एवरेज आ रहा है। और क्या बताएं, ऐसा लगात बहुत परेशान हो गए हम, तमाम लागत लगाई, इतने बितवे कज्जा लिया कि नहीं, वे भी लगाया, पर हमको तो घाटा ही घाटा है। वैसे तो रेट ठीक है पर लेकिन मार्केट में आलू तो कम निकल ले आए भाई। आलू की पैदावार कम हुई है, रेट तो ठीक है लेकिन पैदावार कम हुई है। आलू की पैदावार ही बहुत कम है इसलिए घाटा ही घाटा है, फायदा नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं आप हमारे साथ कि आलू किसान हैं जो बता रहे हैं कि आलू की जो पैदावार है इस बार पिछली साल की तुलना में कम हुई है। अगर एवरेज की बात करें तो 10 से 15 कट्टा बीघा के तौर पर आलू की पैदावार कम हुई है। साथ ही किसानों की मांग ये भी है कि आलू को सरकारी राशन में शामिल किया जाए जिससे कि राशन में आलू जब शामिल होगा तो घर घर तक आलू पहुंचेगा और आलू किसानों को राहत मिल सकती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।